ओम शांति जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और बाबा सदा आपके साथ है। बाबा को अनुभव करते रहिए, उस सर्वशक्तिमान को महसूस करते रहिए और सदा प्रसन्न रहिए। आज मैं आप सभी के सामने वीडियो में एक बहुत ही अच्छा बाबा के साथ का अनुभव लेकर आई हूँ। आप सभी सुनिए, सबके साथ में साझा करिए ताकि उस परमपिता परमात्मा का सभी को साथ मिले। इस संसार में हर कोई प्रेम चाहता है लेकिन प्रेम देने के लिए किसी के पास नहीं है। सुख चाहता है, सुख की कामना करता है, शांति की कामना करता है लेकिन किसी के पास भी वो सब देने के लिए बचा ही नहीं है। इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा शांति का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, करुणा प्रेम का सागर, बाप स्वयं इस धरा पर उतरे हैं तो उनका साथ हर एक को लेना चाहिए। इसीलिए मैं ये संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं और ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल 100% सही बात मैं आपके सामने साझा कर रही हूं। जितना आप फैला सकते हैं इस संदेश को जरूर फैलाइए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट समझिए या बाबा का आप संदेश समझिए। एमपी में एक बहन सेंटर चलाती हैं, उनको करीब 30 साल से सेवा करते हो गया है और वो गृहस्थ में हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ में रहते बाबा की इतनी सेवा करी कि उन्होंने अपने पूरे जितने भी परिवार के हैं, इवन सास ससुर से लेकर के उन्होंने लौकिक जितने भी रिश्ते में हैं, संबंध संपर्क में हैं, सबको उन्होंने बाबा का बच्चा बना दिया और उन्होंने सबके साथ मिलकर के इतनी सेवा की है। और अब तो वो इतनी प्योर और इतनी पवित्र हो गई हैं, एकदम योगिनी हैं। और आपको एक बहुत ही प्यारी और अच्छी बात सुनाने वाली है कि वो बहन को दादियों के हाथ से सेवा का सर्टिफिकेट भी मिला है और वो एमपी से जबलपुर से हैं। आज मैं आपको वो सेंटर में चलाने वाली टीचर बहन का और वही टीचर बहन के साथ में एक माता ने बहुत ही अच्छा बाबा के साथ का अनुभव साझा किया। और उन्होंने देखा, एक बार बाबा ने मुरली चलाई, टीचर बहन के द्वारा निमित्त बन करके मुरली चल रही थी सेंटर में और एक माता नीचे बैठी हुई थी बाबा के कमरे में मुरली सुनने के लिए। तो जो सेंटर चलाने वाली बहन है, वो बहन ने कहा कि माता जी आप कुर्सी पर बैठ जाइए। तो बहन सुन रही थी, माता ने बड़े प्यार से बाबा को बोला, बाबा लाज रख लेना। इन्होंने कहा है, वो माँ मना भी नहीं कर सक रही थी, उनके पीछे बहुत कारण था, लेकिन बाबा से उन्होंने कहा मेरी लाज रख लेना। तो वो बहन समझी नहीं क्या बात है, तो बैठ गई। बहन ने पूछा, माता जी क्या हुआ, आपको नीचे बैठने में तकलीफ ना हो इसीलिए हमने आपको कुर्सी पर बैठने को कहा। तो माता ने कहा कि असल में मेरे पूरे शरीर में एक करंट प्रवाह होता है। आपने देखा भी होगा, कई कई टाइम पर हम बॉडी से किसी से दूसरे से टच हो जाते हैं तो करंट लगता है, लेकिन उनको वो कभी कभी वाला नहीं था। उनको हमेशा ही कभी भी किसी भी चीज़ से टच हो जाएं, वो ज़मीन पर ही सोती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हैं, किसी चीज़ से टच नहीं हो सकती थी, उनको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। डॉक्टर से इलाज भी चला लेकिन उनका ये इलाज मतलब सक्सेस ही नहीं हो रही थी, कोई भी बात, कोई भी दवाइयाँ। तो वो बैठ गए और आप यकीन करेंगे, उन्होंने बाबा से कहा था मेरी लाज रख लेना और वो चेयर पे बैठी, उनको करंट नहीं लगा, आराम से बैठी रही और उनके एक एक पैर के ऊपर अंग तक यहाँ से प्रॉब्लम भी रहती थी, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। तो वो अभी वो सेंटर में, ये एक दो दिन पहले का ही मैं आपके साथ में बाबा का बहुत ही साथ का प्यारा सा अनुभव मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। तो वो माता को मैंने देखा भी, बाकायदा उनसे बात भी करी, तो वो माता अब बिल्कुल एकदम ठीक है और बाकायदा सबसे आगे कुर्सी पर बैठ करके वो मुरली सुनती हैं। और बहुत बाबा में निश्चय है, बहुत अधिक निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। बाबा ने कहा कि आपका यदि मुझ पर निश्चय है तो आप निश्चित विजयी हैं और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सर्वशक्तिमान बेहद का बाप आपका साथी बना है। तो यह
बहुत ही प्यारा सा उन माता का एक्सपीरियंस है, और आंखों देखा हुआ प्रैक्टिकल में बाबा का साथ का उनको साथ मिला, और उनको निश्चय है और वो रोज रेगुलर सेंटर में आती हैं। तो आप भी बाबा पर निश्चय बनाइए और निश्चिंत हो जाइए, और जो भी संसार में हो रहा है नथिंग न्यू, वो तो कल पहले भी हुआ था सो अब हो रहा है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया, आप जरूर साझा करिए और सबको बाबा का साथ मिले यही उम्मीद मैं करती हूँ, और यही सेवा भाव मेरे अंतर मन में बिल्कुल एकदम निस्वार्थ है कि हर किसी के पास तक बाबा का संदेश पहुँचे और उनका साथ आप सभी को मिले। अच्छा, ओम शांति।